इस्लाम की तारीख का हर एक दिन, हफ्ता या एक मिनट भी तारीख ही है। इस वीडियो में भी इस्लाम के बारे में जो हम आपको बताएंगे वो शायद पहले आपको मालूम नहीं होगा। ये उरवा बिन जुबैर का किला है, या इसको महल भी कहा जाता है। यह जगह वादी अकीक के नज़दीक है और मस्जिद मीकात के रास्ते में आती है। हज़रत उरवा बिन जुबैर मदीना के गवर्नर भी रह चुके हैं और आप हज़रत बीबी आयशा की बड़ी बहन, हज़रत बीबी अस्मा के बेटे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे थे। आप वो पहले इंसान थे जिसने मदीना में पहली बार कलम का इस्तेमाल किया। आपके वालिद हज़रत जुबैर अशरा मुबशरा में से एक थे, यानी जो 10 लोग डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। आपने इब्तदाई तालीम साहबा कराम रिजवानुल्लाह से हासिल की। आप मदीना से 7 फिका में से हैं। फिक्के का मतलब है 7 मुसलमान उल्मा जो दूसरी हिजरी से मदीना में हदीस की तरसील और फतवा बनाने में सबसे ज़्यादा मावन थे। ये उरवा बिन जुबैर के कबीले के घर हैं जिनके असरात आज भी मदीना अल मुनवरा में मौजूद हैं, पर इनको अब मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। लोग आते हैं तो सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। इस महल को चंद साल पहले ही बनवाया गया है। इस वीडियो में आप इस महल को असल हालत में देख सकते हैं और आजकल इसको सीमेंट से पक्का करवाया गया है, जो कि अब असल शक्ल में नहीं रहा। यहाँ पर पूरा कबीला रहता था। घर और दीवारें आज भी वैसे ही कायम हैं। ये कसरे उरवा के अंदर के मनाजर हैं जो पहले बहुत खूबसूरत और हमारे हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की याद दिलाता था। सवालात इस तरह भी उठते हैं कि उस दौर में तो साहबा कराम सादे सी जिंदगी गुजारते थे, तो ये महल कैसे बन गया? और कुछ मौरखीन ये भी कहते हैं कि महल तकरीबन 200 साल के बाद बना था, और उनके बनाने की वजह क्या थी ये इस वीडियो की सबसे अहम बात है। एक मरतबा आप हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आसमान से एक रोशनी आ रही है जो सीधा उरवा बिन जुबैर के घर पर जा रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबा कराम ने पूछा कि इसकी वजह क्या है, तो आपने फरमाया कि इसका मतलब अल्लाह ताला ने यह कह दिया है कि इस जगह जो रह रहे हैं वो अल्लाह के ख़ास और जन्नत के हकदार हैं। तो इस तरह से मौरखीन कहते हैं कि तकरीबन 200 साल बाद किसी बादशाह ने यह समझकर इस जगह ये महल बनवाया था कि ये वही जगह है जिसके बारे में आप हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। उस बादशाह ने काफ़ी लोगों को बुलवाया और ऐन जगह मालूम करने की कोशिश की, पर कुछ अरसे के बाद ये भी पता चल गया कि उस बादशाह ने गलत जगह पर महल तामीन करवा दिया था। बस थोड़ा ही फ़र्क रह गया।
इससे ये साबित होता है कि अल्लाह के प्यारे लोगों की जगह कोई नहीं ले सकता। एक बार हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौर से पहले एक वाक्या बयान किया कि एक रात में अपने घर के छत पर सोया हुआ था, ऐसा महसूस हुआ कि चंद लोग एक टोला बनाकर आ रहे हैं और आकर इबलीस के पास रुक जाते हैं और इबलीस कहता है कि उरवा बिन जुबैर का लाश कौन लाएगा। तो उस टोले ने कहा हम लाएंगे, यह कहकर चले गए और चंद लम्हे बाद वापस आकर कहा कि हम उरवा बिन जुबैर पर कादर ना हो सके। इस तरह इबलीस ने दोबारा गुस्से में कहा कि उरवा बिन जुबैर का लाश कौन लाएगा। फिर एक दूसरा टोला गया और वापस आकर यही कहा कि हम उन पे कादर ना हो सके। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। फिर इबलीस गुस्से में चिल्लाता हुआ चला गया। दूसरे दिन आप हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने ये वाकया उरवा बिन जुबैर को बताया और पूछा कि ये क्या था। तो आप हजरत उरवा बिन जुबैर मुस्कुरा कर फरमाए कि जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन को दिल से और ईमान से पकड़ ले तो उसका शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप इस्लामी तालीम में ऐसे थे जो आपके पास खुद हजरत रज़वानुल्लाह आते थे और अहदीस की तरतीब मालूम करते थे। हजरत उरवा बिन जुबैर इस्लाम के वो उस्ताद हैं जिनकी याद में इस जगह पर एक यूनिवर्सिटी कायम की गई थी। आपने देखा उरवा बिन जुबैर इस्लाम का हीरो जिसके बारे में चंद ही लोगों को मालूम है। हमारी काफी ऐसी वीडियो बनी हुई है जिनकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।